अभी हमने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, यहाँ पर आज लॉन्च था मोमो के धागे का। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आया देखकर, और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है। 21 ईयर की लड़की है और 42 ईयर का लड़का है, तो ये ऐसा पहले हमने कभी देखा नहीं टीवी पर, और बहुत ही अच्छा शो लग रहा है और फ्रेश स्टोरी है, तो आप लोग भी देखिएगा। बहुत ही अच्छा था। आई मीन गुजराती एक्सेंट लाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट व्हेन यू नॉट अ गुजराती, इज नॉट अ गुजराती, बट स्टिल ही इज प्लेइंग अ गुजराती कैरेक्टर विद दैट एक्सेंट एंड विद द लुक, सो दैट इज रियली कमेंडेबल एंड आई होप ही डज वेल, ही इज डूइंग वेल, आई होप द शो डज वेल एंड आप बेस्ट विशेस आवर। एक ऑड कपल के बारे में है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शक्ल, उम्र और बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, जज्बात और इंसान कितना अच्छा है, अंदर की सुंदरता मैटर करती है। अफकोर्स आई एम एंजॉय क्यों नहीं करूँ यार, सबा के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। थोड़ा सा सब्र और। वेरी लकी एंड हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ब्लेस्ड। खैर पब्लिक को मेरे हिसाब से तो यही मिलना चाहिए कि जो लव है दैट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। हमें ऐसा लगता है कि लव इस तरह का होना चाहिए, पर अगर चाहे लड़का हम उम्र हो, लड़की हम उम्र हो, या थोड़ा गैप हो या जनरेशन गैप हो, पर अगर कनेक्शन सही बैठ जाता है तो फिर सही है। हाँ, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे पवल वी पुरी और माइकल जैक्सन को वहाँ पे। पूरा फिल्म में